नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आरएसप्री 2021 की स्पेशल ऑनलाइन क्लासेज की सीरीज में हम पढ़ रहे थे भारत का इतिहास। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता में आर्थिक जीवन। दोस्तों, इससे पहले के वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको आरएसप्री 2021 के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर हम आरएसप्री 2021 का कंप्लीट सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन की। अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन कृषि, पशुपालन, व्यापार, उद्योग पर आधारित था। सिंधु घाटी सभ्यता निवासियों का मुख्य पेशा कृषि था। कृषि के साथ ही पशुपालन और व्यापार अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार थे। सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ हर वर्ष उर्वरक मिट्टी बहाकर लाया करती थी, जिस पर पत्थर और कांसे से बने उपकरण और औजारों का प्रयोग कर खेती क्रिया किया करते थे। प्रमुखतः गेहूं, जौ की खेती की जाती थी। सूती वस्त्रों के अवशेषों से ज्ञात होता है कि सिंधु निवासी यानी कि सिंधु सभ्यता के निवासी कपास की खेती भी किया करते थे। तो दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कपास की खेती के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो इसका जो सही जवाब होगा सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों, कई बार सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है, दोनों एक ही चीज़ है, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। यहीं के निवासियों ने विश्व में सर्वप्रथम कपास की खेती प्रारंभ की थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता में ही सबसे पहले कपास की खेती शुरू हुई थी। इस सभ्यता के किसान अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज का उत्पादन करते थे, इसलिए नगर में अनाज के भंडारण के लिए अनागार बनाए गए थे, जहां पर खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखा जाता था, तो वेयर हाउस बने हुए होते थे। नेक्स्ट बात करते हैं कि कृषि के साथ साथ पशुपालन भी बहुतायत में किया जाता था। बैल, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ते, खरगोश, हिरण, कुबड़दार वृषभ आदि पशुओं को पाला जाता था। कुबड़दार वृषभ का मुहरों पर अंकन बहुतायत में मिलता है। बैल और भैंसे का उपयोग बैलगाड़ी और भैंसागाड़ी में यातायात के लिए किया जाता था। इसी के माध्यम से सिंधु सभ्यता के लोग एक जगह से दूसरी जगह तक यातायात किया करते थे। सिंधु निवासी घोड़े से परिचित थे और इसके साक्ष्य सूरकोटड़ा, लोथल और रंगपुर से प्राप्त हुए हैं। तो कई बार पूछा जाता है कि घोड़े के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थलों से मिले हैं या नहीं मिले हैं, तो तीन ऑप्शन आपके ये रहेंगे। मिले हुए पूछे होंगे तो ये आपके सही जवाब होंगे, अगर जो स्थल नहीं है तो वो चौथा अलग ऑप्शन होगा। सूरकोटड़ा से अश्व अस्थि यानी घोड़े की हड्डियाँ तथा लोथल और रंगपुर से अश्व की मृण मूर्तियाँ, जो कि टेराकोटा की बनी हुई घोड़े की मूर्तियाँ होती थी यानी मिट्टी की बनी हुई होती थी, ये है साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुई है। कृषि और पशुपालन के अलावा उद्योग एवं व्यापार भी अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार थे, जिनमें वस्त्र निर्माण इस काल का प्रमुख उद्योग था। सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरें वस्तुएं पश्चिमी एशिया और मिस्र से प्राप्त हुई है, जिससे ये ज्ञात होता है कि इस सभ्यता के व्यापारिक संबंध इन देशों से थे, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो पश्चिमी एशिया और मिस्र तक व्यापार किया करते थे। अधिकांश मुहरों का निर्माण सेल खड़ी में हुआ है। सुमेर यानी कि वर्तमान का जो दक्षिणी इराक है, वहाँ से प्राप्त लेखों से ज्ञात होता है कि सुमेर के व्यापारी मेलुहा यानी कि सिंधु प्रदेश के व्यापारियों के साथ वस्तु विनिमय करते थे। तो ये वस्तु विनिमय करके व्यापार किया करते थे, इसके साक्ष्य मिले हैं दक्षिणी इराक, जिसे कि प्राचीन काल में सुमेर कहा जाता था, और ये जो सुमेर के लोग हैं वह सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मेलुहा कहते थे, या मेलुहा प्रदेश सिंधु घाटी सभ्यता का जो सिंधु प्रदेश है इसको कहा जाता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार में मुहरों, धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे। सारे आदान प्रदान वस्तु विनिमय द्वारा किया जाता था। वस्तु विनिमय का अर्थ है कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु एक्सचेंज करना, तो ये व्यापार का सिस्टम होता था यानी अनाज दे करके आप कोई दूसरी उसके बदले वस्तु खरीद सकते हो, या फिर आप अगर कोई एक आभूषण दे रहे हो या एक मूर्ति दे रहे हो तो उसके बदले आपको कुछ दूसरी वस्तु दे दी जाती थी। तो वस्तु या सामान के बदले वस्तु ली और दी जाती थी। वस्तु विनिमय बाटों द्वारा नियंत्रित होता था, यानी कि हो सकता है कि बाट बनाए गए थे जिनमें तोल के आधार पर जितना तोल होता था उसके बराबर वस्तु दी जाती थी। वस्तु विनिमय बाटों द्वारा नियंत्रित होता था और यह बाट सामान्यतः चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। यह किसी भी निशान रहित घनाकार आकार के होते थे। धातु से बने तराजू के पलड़े भी मिलते हैं। लोथल हड़प्पाकालीन बंदरगाह नगर था, यहीं से चावल की खेती के प्रमाण भी मिले हैं, तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों, ये था सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन। नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हम कवर कर रहे हैं भारत का इतिहास, जिसमें हमने
जो प्राचीन काल का इतिहास है यानी एनिशियंट हिस्ट्री हमने शुरू की है। इसके बाद हम मिडवल हिस्ट्री पढ़ेंगे और बहुत ही जल्द आरएस प्री 2021 का कंप्लीट सिलेबस जो है वो कवर करेंगे। साथ ही दोस्तों, अगर आपने आरएस 2021 का पैकेज नहीं लिया है तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहाँ पर जा कर के परचेज कर सकते हैं। इस पैकेज में आपको कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में, इसके अलावा ई नोट्स जो कि डिफरेंट कोचिंग्स के बेस्ट नोट्स हैं सब्जेक्ट वाइज, इसके अलावा ई बुक्स जो कि रेफरेंस बुक्स हैं जैसे कि एम लक्ष्मीकांत वगैरह, ये आपको आरएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग मिल जाएगी। इसके अलावा टेस्ट सीरीजेज़ हैं, 200 प्लस टेस्ट सीरीजेज़ आपको मिलेगी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, तो उनको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। टॉपर्स की कॉपीज़ हैं, 40 प्लस कॉपीज़ हैं जो कि आपकी आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगी। इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए मैगजीन है, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए आपको बेस्ट कोचिंग्स के मटेरियल अवेलेबल है इस पैकेज में, और आने वाले समय में और भी इसे अपडेट किया जाएगा। तो दोस्तों, एक बार ये पैकेज ज़रूर आप विजिट करके चेक कर लें। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।